सगला दस्कान राम राम। खबरलोक चैनल का न्यूज बुलेटिन में थारो बहुत बहुत स्वागत है। खबरलोक चैनल ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आवे बिगो नोटिफिकेशन थान तुरंत मिल जा। दोस्तों अब पेश है दिन भर की 10 बड़ी खबर सिर्फ 5 मिनट में। पेट्रोल पंप पर चोरी को आरोपी गिरफ्तार, स्विफ्ट कार और रकम बरामद। जयपुर, सीकर और झुंझुनू मान 6 मामला दर्ज। झुंझुनू की धनुरी थाना पुलिस पेट्रोल पंप पर चोरी करने का आरोपी गिरफ्तार करो। आरोपी से घटना के दौरान काम में ली गई कार भी बरामद करी गई, साथ ही लूट की रकम में से 29,500 रुपया भी बरामद कराया गया। आरोपी 2 अगस्त ने धनुरी थाना क्षेत्र के हंसासर में झुंझुनू बिसाऊ रोड पर स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप की ऑफिस के गल्ला में से 1,18,590 रुपया की चोरी करी। चोरी की यह घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद होगी। QR कोड लगाओ को नकली दवा पर रोक, एलर्जी, अस्थमा और थायराइड का मरीजन फायदो, हर महीने 5 करोड़ को कारोबार। एलर्जी, अस्थमा और थायराइड शरीर की कई बीमारियों से ग्रसित मरीजा के लिए राहत की खबर है। वजह, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कई ब्रांड की दवा पर QR कोड और बार कोड लगाने की अनिवार्यता कर दी है। फायरिंग के आरोपी बाजार में घुमायो, पुलिस हरियाणा सीमा के कन्ने से पकड़ो ज्वेलर से मांगा 30 लाख रुपया। सिंघाणा कस्बा मान ज्वेलर पर फायरिंग करने के 2 आरोपियों शुक्रवार ने पुलिस मुख्य बाजार के मान पैदल घुमाया। इस दौरान पुलिस घटनास्थल की तस्दीक करवा की आमजन में पुलिस को विश्वास बनाए रखने को आह्वान करो। थाना अधिकारी भजना राम बतायो कि गुरुवार ने शाम को करीब 5 बजे सिंघाणा के महालक्ष्मी ज्वेलर के मालिक ने बदमाश व्हाट्सएप पर 30 लाख रुपए की फिरौती देने को मैसेज करो। इसके कुछ देर बाद में बाइक पर सवार होकर आया 2 बदमाश व्यापारी धमकाने की नियत से हवाई फायर करके फरार होगा। 174 परिवार नोटिस, आपने तालाब पर अतिक्रमण करियो। पिलाणी के झेरली मान मचो हड़कम, पट्टा लेके तहसील पहुंचा लोग। झुंझुनू जिले के पिलाणी मान गांव झेरली के रहने वाला 174 परिवार की घर खोने के डर से नींद उड़ रही है। 174 मकाना के सिवाय चक भूमि यानी जोड़े की भूमि पर अतिक्रमण मानता हुआ तोड़ने को राजस्थान हाईकोर्ट आदेश दिए। हाईकोर्ट का आदेश के बाद में अब प्रशासन गांव के वार्ड नंबर 8 और 9 के मान जोड़े की भूमि पर बने मकाना चिन्हित करना शुरू कर दिए। गांव का लोग शुक्रवार ने तहसीलदार के नोटिस को जवाब देने के लिए पिलाणी तहसील पहुंचा। जानकारी के अनुसार परिवार के जवाब से संतुष्ट न होने पर प्रशासन आ मकाना जमींदोज करने की कार्रवाई कर सके। शहीदा की याद में शिलालेख पर शहादत दिवस ही गलत, नगर पालिका लगवायो शिलालेख, परिजन नहीं कराया आमंत्रित। आजादी का अमृत महोत्सव पर पिलाणी के मुख्य बाजार में नगर पालिका पिलाणी की ओर से क्षेत्र के वीर शहीदा के नाम को शिलालेख लगवायो गयो, लेकिन इक मान नगर पालिका कत्ती गंभीर रही। इको अंदाजो ई बात से लगाया जा सके कि ई पर एक शहीद को शहादत दिवस ही गलत लिखो है। एक साथ ही कार्यक्रम के मान कोई भी शहीद के परिजना तक भी कौन बुलाया गया। राजस्थान यूनिवर्सिटी मान छात्रा पर लाठीचार्ज, छात्र संघ चुनाव की मांग न लेके कर रहा प्रदर्शन, 5 स्टूडेंट ने हिरासत में लिया। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव की मांग न लेके छात्र नेता सरकार के खिलाफ मोर्चो खोल दियो। राजस्थान यूनिवर्सिटी मान शुक्रवार ने छात्र सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ करियो। इसके बाद में प्रदर्शनकारी छात्र कुलपति सचिवालय पर ताड़ो लगा के JLN रोड पर धरना शुरू कर दियो। पुलिस लाठीचार्ज करके छात्रा खदेड़िया। लाठीचार्ज के मान 600 से ज्यादा छात्रा के चोट आई, जबकि 5 छात्रा पुलिस हिरासत में ले लिया। हिमाचल के चंबा में रोड एक्सीडेंट, सुमो खाई के मान गिरी, 6 पुलिस जवाना सहित 7 की मौत, 4 घायल। PWD अप्सरा पर FIR की मांग। हिमाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र चंबा जिले के तीसा के मान आज सुबह 9:30 बजे भीषण सड़क हादसे को तीसा से बैरागढ़ मार्ग पर जारी पुलिस जवाना से भरी गाड़ी पर पहाड़ी गिर गई। इस गाड़ी सड़क से छिटक की नदी के मान करीब 300 मीटर गहरी खाई के मान गिरी। इस हादसे के मान 6 पुलिस जवाना सहित 7 की मौत होगी, जबकि 4 व्यक्ति घायल होगा। अधीर रंजन चौधरी के निलंबन पर इंडिया को मार्च प्रदर्शन में राहुल सोनिया शामिल, लोकसभा से विपक्ष को वॉकआउट। मानसून सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार ने संसद के मान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी के सस्पेंशन को मुद्दा उठो। दोनों सदना के मान विपक्ष का नेता हंगामा करो। इंडिया का सांसद लोकसभा की कार्यवाही को बहिष्कार करने को फैसलो लियो। बाद में सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी।
भारत से फेक सर्टिफिकेट लेके चीन पढ़ने गयो नेपाली सांसद MBBS की डिग्री भी ली जांच एजेंसी करो गिरफ्तार। नेपाल में गुरुवार ने एक सांसद जाली एजुकेशन सर्टिफिकेट बनवाने के आरोप में गिरफ्तार करो गयो। सांसद सुनील कुमार शर्मा पर आरोप है कि वह बिहार से फेक डिग्री खरीद की भी को इस्तेमाल चीन के मान हायर स्टडीज के मान करो। एक बाद में नेपाल की सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो शर्मा मां के घर से गिरफ्तार कर लिया। पंजाब में BSF पाकिस्तानी घुसपैठियों मारगिरह रोकने पर नहीं रुके, तरन तारण के सरहदी गांव में घुसने की कोशिश कर रहे हो। पंजाब में BSF भारतीय सीमा के मान दाखिल हुए पाकिस्तानी नागरिक ने मार गिराए वो तरन तारण के सरहदी गांव थे कलाकमान घुसने की कोशिश कर रहे हो। BSF का अधिकारी सब ने कब्जे मान लेके जांच शुरू कर दी। फिलहाल पाक रेंजर्स से भी संपर्क साधे जा रहे है। मामले के बाद अभी पाकिस्तान से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। BSF की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार यह घटना शुक्रवार ने सुबह की।